श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि कृपया आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान कीजिए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए। परम श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भारत माता की, हमारे भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री और अभी जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ, राकेश जी ने भी कहा, आदरणीय प्रहलाद जी ने भी, कि वास्तव में इस देश में अगर इससे पूरे कनेक्टिविटी को एक अंजाम देने वाले ऐसे हमारे सूत्रधार और हमारे वरिष्ठ नेता परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी मध्य प्रदेश सरकार में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री भाई वीरेन जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय राकेश जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, हमारे सांसदगण सुमित्रा जी, डॉक्टर साहब और हमारे कैलाश जी, अजबहादुर जी और सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मंच पे विराजमान सभी साथी मित्रों और मेरे सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये हम सबका भी सौभाग्य है कि कई बार मैंने अनुभव किया, जितने बार मध्य प्रदेश, जबलपुर संभाग या इस महाकौशल में अगर जिन रोडों के बारे में, जिन मार्गों के बारे में आज यहां पर उल्लेख हम कर रहे हैं, ये तो वास्तव में आज हम इस विषय में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु आज पूरे भारत में नितिन जी के बारे में, विशेष तौर से रोडों के विषय को लेकर के, हाईवे एचआई और इस पूरे कनेक्टिविटी को लेकर के, अगर भारत में ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन हुआ है, हम जिस तेज गति से आज देश आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय नितिन जी का है, प्रधानमंत्री जी का हमेशा सहयोग इस बात के लिए। और हम पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, मुझे याद है जिन मार्गों के बारे में यहां पर उल्लेख हुआ, मैं दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहता, परंतु जब हम दिल्ली से झांसी और झांसी से ये हमारा नरसिंहपुर होते हुए यहां से सिवनी और नागपुर और नागपुर से उधर बॉम्बे की तरफ, हैदराबाद की तरफ जाने वाला ये जो मार्ग हाईवे, हमने एक समय ऐसा भी अनुभव किया इस देश के अंदर, कुछ समय पूर्व आज से 10 साल पहले जिस मार्ग का हम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, लखना दौन के बाद इस मार्ग का जब परिवर्तन हुआ, यहां पर बहुत ऐसे जो लोग हैं साक्षी हैं इस बात के लिए और इस कार्यक्रम में भी, ये जब मार्ग को अवरुद्ध किया गया, ऐसे भी क्षण आए हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर और आज उसका एक रास्ता जी के सरकार बनने के बाद और विशेष तौर से नितिन जी के जिम्मेदारी में ये जो मार्ग प्रशस्त हुआ, आप देखते होंगे यहां से जब हम नागपुर जाते हैं, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं आप, पैच देख रहे हैं, ये लगातार इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं साक्षी हैं और यही काम करने की जो इच्छा शक्ति है, और नितिन जी ने इस बात को प्रमाणित करके इस देश के अंदर
और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम किया, आंध्रा तेलंगाना को जोड़ने का काम किया। यह है काम करने की इच्छा शक्ति। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस आदरणीय नितिन जी को कि वास्तव में ये इस इच्छा शक्ति के कारण इस काम को हम पूरा कर पाए। आज उसी मार्ग में छोटे छोटे कुछ उदाहरण यहां पर देख रहे हैं और नया एक मार्ग मेरे इस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र मंडला में, ये जो डिंडोरी का क्षेत्र आता है, ये जो मार्ग है 43 किलोमीटर जो शहडोल संभाग से लेकर के जबलपुर संभाग का ये जो हिस्सा है, जबलपुर अमरकंटक मार्ग को जोड़ने वाला, और इसमें कुल मिलाकर के 43 किलोमीटर ये जो मार्ग है, हम जिस मार्ग को ये डिंडोरी से अनूपपुर शहडोल को, और ये बहुत आसानी से, और हम चाहते हैं कि केवल संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय नितिन जी के, वो जो मार्ग है शहडोल से सीधे वो छत्तीसगढ़ को जोड़ती, ये बीच में इस हाईवे में जाकर के जोड़ता है, और जिस चंदन घाट को हम वहां से नर्मदा पार करके आगे बढ़ते हैं, ये मार्ग आपने किया है, मैं तो इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। और एक बीच में थोड़ा सा एक है, ये जो हमारा हाईवे डिंडोरी के पास, अभी हमारे यहां पर विधायक जी ने शायद सजेशन दिया है, कोई एक धार्मिक स्थान है उस पर थोड़ा अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे अभी उनने भी कहा, विधायक जी ने भी और आपको भी उनने एक दरखास्त दिया है, तो थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने जिस मार्ग के बारे में, ये जो हमारा जबलपुर लखनादौन, इस मार्ग पर आपने इसमें कुछ है, ये जो दुर्घटनाओं को देख करके पिछले दिनों अभी अभी आपने स्वीकृति प्रदान की है 23 में दिसंबर में, एक तो इस मार्ग के इस ललितपुर सागर लखनादौन मार्ग, 26 यूपी मार्ग, और ये छठवां जो NH 44 के घोनई और बंजारी घाट, ये लखनादौन से जब आगे हम सिवनी की तरफ बढ़ते हैं नागपुर की ओर, तो यहां पर ये मार्ग का ये बीच में जो स्पॉट के बारे में आपने उल्लेख किया है, मैं इस काम के लिए भी बधाई देता हूं कि ये पूरा ये जो क्षेत्र है, पूरा जनजाति क्षेत्र है। एक जरूर अभी हमारे प्रहलाद जी ने भी कहा कि ये जो जबलपुर मंडला रायपुर वाला जो मार्ग है, अगर इसके बारे में उस समय जब नोटिफिकेशन जब हुआ, बाद में टू लाइन हुआ, पर इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही कि इसको लाइन जरूर होना चाहिए, इस प्रकार की मांग। और दूसरा जो मेरे क्षेत्र में आता है, जैसे पिछले समय जब आप मंडला आए थे तो मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि नर्मदा के ऊपर ये जो बाईपास का है, ये इसकी थोड़ी DPR जितना जल्दी संभव हो सकता है वो हो जाए, तो ये काम पूरे इस क्षेत्र को, और ये पूरा हमारा बनवासी क्षेत्र है, यहां मार्गों के लिए आपने बहुत काम, आपने यहां से जबलपुर डिंडोरी अमरकंटक आपने दिया, डिंडोरी से मंडला आपने दिया, मंडला से उसको आगे हम नैनपुर और बालाघाट की तरफ बढ़ा रहे, उसके लिए मैंने पिछले समय भी कहा कि मंडला से लखनादौन को जोड़ने वाला, अगर ये हम इसको नेशनल हाईवे, और दूसरा नैनपुर से सिवनी को, ये जो हमारा 75 किलोमीटर का पैच का है और ये 98 किलोमीटर लखनादौन मंडला, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे इस कनेक्टिविटी को हम पूरी तरीके से इसको व्यवस्थित कर पाएंगे, अगर ये आपका आशीर्वाद सहयोग मिला तो मुझे लगता है इस हम सबके लिए भी, और इस पूरे हमारा जो अंचल है, चाहे कटनी का हिस्सा हो, यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग का जो काम होता है, कुछ हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है तो इसी मार्ग से सारा ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, इसके कारण रोड बार बार खराब होती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ा अगर आपका ध्यान और आपकी अनुमति प्राप्त हो तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो हमने 6 लाइन की जो कल्पना हमने इसमें किया है, नागपुर वाली लाइन अभी 4 लाइन है, ये जो हमारा कॉरिडोर है, हम इसको पूरा कवर कर पाएंगे, और इंडस्ट्री के लिए जितना एरिया जैसे आपने कल्पना किया है कि इस पूरे लाइन को नागपुर तक बढ़ाने में हम सफल होंगे, और लोगों को
और विशेष तौर से लोगों को रोजगार के दृष्टि से, क्योंकि तीन हमारे महत्वपूर्ण पार्क एक पैच का हिस्सा आता है, एक यहां आएंगे तो कान्हा और इससे आगे इधर आएंगे तो बीच में गोगवा पार्क और फिर हमारा बांधवगढ़, ये जो तीन हमारे नेशनल पार्क है लाइव, तो इसके लिए जो हमारे बाहर के फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी के दृष्टि से जितना आसान हो जाएगा तो इसकी बहुत ही आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। और मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं आदरणीय तिंजी को कि आपने हमारे इस पूरे महाकोसा नांचल इस मध्य प्रदेश को आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। मैं चाहता हूं इसमें भी आपका थोड़ा अंशदान हो, यही अपेक्षा के साथ एक बार फिर मैं यहां पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस गति से आगे बढ़ें, यही कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।